तुम 2 घंटे डेली कोडिंग करो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम फोड़ के आओगे। नेक्स्ट बंदे तुम ही होगे जो इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग जैसी चीजें या फिर तुम खुद का स्टार्टअप कर रहे होगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी 9 to 5 क्लासेस रहती है, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। कोडिंग 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 एक ऐसी चीज है जो आपको प्लेसमेंट दिला सकती है, आपकी लाइफ को सेट कर सकती है, आपको इंटर्नशिप दिला सकती है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। कोडिंग ही एक ऐसी चीज है यार जो आपको सारी वो चीज दे सकती है जो तुम्हें एक चाहिए एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, या फिर तुम सीएससी ब्रांच के नहीं हो, तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और तुम चाह रहे हो कि आईटी कंपनी में जॉब करना, तो कोडिंग ही एक ऐसी चीज है जो आपको अर्ली सक्सेस दिला सकती है और तुम्हारी लाइफ को सेट कर सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं कोडिंग को, क्योंकि उनसे कोड हो नहीं रहे होते हैं और उनको कोडिंग में मजा नहीं आता है। कुछ लोग को बहुत ज्यादा टफ लगती है। कोडिंग में सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है क्या, कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है, तुम यार बहुत कुछ अच्छा फोड़ पाओगे, चाहे वो प्लेसमेंट हो गई, चाहे वो इंटर्नशिप हो गई, या फिर तुम अपना खुद का स्टार्टअप करने जा रहे हो वो हो गया, या फिर तुम फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर तुम कंसिस्टेंसी कोडिंग में, जो कंसिस्टेंसी होती है कोडिंग में, मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर तुम कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी तुम काम करने जा रहे हो, उसमें जो कंसिस्टेंसी होती है अगर वो तुम्हारी अच्छी रही तो फिर तुम उस चीज में जरूर सक्सेस हो जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो सेम कोडिंग में भी होता है, अगर तुम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलते हो तो यार डेफिनेटली तुम एक सक्सेसफुल कोडर या फिर सक्सेसफुल प्रोग्रामर बन पाओगे। कोडिंग सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं, तुम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, या फिर तुम वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सारी कोडिंग की फील्ड्स हो गई हैं, तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम यार डेली के 2 घंटे बैठ रहे हो, दैट इज द एनफ। ये काम मत करना कि यार मैं एक दिन बैठूंगा और 8 घंटे पढ़ लूंगा, उसके बाद एक हफ्ता, फिर 15 दिन, 10 दिन मैं गायब हो जाऊंगा, तो ऐसा करोगे तो यार तुम सीख ही नहीं पाओगे कोडिंग को। कोडिंग हो गई या फिर कोई भी और काम हो गया, अगर उसमें तुम्हें सक्सेस पाना है तो तुम्हें कंसिस्टेंस हो गए उसमें, लगातार डे बाय डे तुम्हें उसमें काम करना पड़ेगा, तुम्हें जग जग के 2-2 घंटे तुम्हें निकालने होंगे अपने कोडिंग के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी 9 to 5 क्लासेस रहती है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं बता दूं कि 9 to 5 तुम्हारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसके बाद का टाइम कहाँ जाता है तुम्हारा? 9 to 5 को हटा दो, क्या तुम बाकी टाइम पे सोते हो या फिर तुम क्या करते हो? टाइम सबके पास 24 आवर है। अब जो लोग उसमें से टाइम एक्स्ट्रा अपने लिए निकालते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, वही सक्सेस पाते हैं। अब जो लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि मेरी 9 to 5 क्लासेस होती है तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को कॉलेज का पढ़ना रहता है, तो यार कॉलेज का मैं बता दूँ, कॉलेज का भी उतना कुछ खास पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार जब भी तुम्हारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना 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 होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले होते हैं तभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और तभी पढ़ के वो अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तुम लोग सोचते हो कि यार जिस दिन से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अगर तुम वैसे ही पढ़ रहे हो तो यार वो तुम्हारी IIT, जो भी तुम IIT वगैरह का प्रिफरेंस कर रहे थे, तो वो उसकी फीलिंग आने लगती है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन उतना कुछ चाहिए नहीं होता है। अगर तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है तो तुम उससे एक हफ्ते पहले पढ़ के तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार जब भी सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तभी से तुम लग जाओ पढ़ने। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ 9 to 5 तुम्हारी क्लासेस होती है, उसके बाद तुम घर पर आओ, ठीक है, बढ़िया से रेस्ट वगैरह करो, खाना पीना मस्त खाओ बढ़िया से। मैं मान के चलता हूँ कि तुम 9 के बाद तुम फ्री हो गए हो, ठीक है। मैंने शाम को 5 से 9 तक तुमको टाइम दे दिया, तुम उसमें खा पी के आराम से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, जो भी तुमको इंजॉय करना है या फिर कुछ भी करना है तो तुम उसमें इजीली कर सकते हो। अगर तुम यार डेली के 2-2 घंटे निकाल के देने लग गए ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि गाइस तुम एक ऐसे कोडर बन जाओगे, तुम्हारे आरी पड़ोस जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वो भी सोचने लग जाएंगे यार इस बंदे ने करा क्या है, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पे कोडिंग को पढ़ने के लिए टाइम मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे दिन के, 24 के 2 घंटे, 24 घंटे में से तुम 2 घंटे का इस निकाल ही सकते हो अपने लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे बहुत सारे लोग गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे 1 महीने में कोडिंग सीखना है या फिर 2 महीने में कोडिंग सीखना है, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें गोल्स को सेट करना चाहिए, लेकिन गोल्स को सेट करने के बाद उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी तुम गोल्स को सेट कर लेते हो उसके बाद जो उसको पाने का उसके बीच का जो प्रोसेस होता है ना, जो भी रास्ता होता है अपने गोल तक पहुंचने का, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है ना उसको तुम भूल जाते हो, उसको तुम ध्यान ही नहीं देते हो कि यार प्रोसेस हमें क्या चाहिए। जो तुम्हारी एटॉमिक हैबिट बुक है उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम गोल पे ज़्यादा फोकस मत करो, उसके बीच का जो प्रोसेस है उस पे फोकस करो। अगर तुम प्रोसेस पे फोकस कर गए ना तो गोल्स ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल ही जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ओके, अब होता क्या है यार कि जैसे जब भी कोडिंग वोडिंग सीखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, जैसे कि रिकर्सन हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड लगते हैं। जब भी तुम जिम स्टार्ट करते हो तो जिम का जो पहला दिन होता है, तुम वर्कआउट करते हो, उसके बाद का जो दिन होता है उसके नेक्स्ट डे पे तुम्हारे बॉडी के अंदर पेन होता है, तो वो पेन हमेशा तक नहीं रहता गाइस, कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो सेम तरीके की चीज़ें तुम्हारे कोडिंग के ऊपर भी अप्लाई होती हैं। जब भी तुम कोडिंग स्टार्ट करोगे तुम्हें बहुत सारे हार्ड टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे रिकर्सन हो गया, ट्री हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, तो ये सारे टॉपिक्स थोड़े से हार्ड टॉपिक माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट क्विट कर देते हैं, लेकिन यार आपको उस चीज़ से लड़ना है, ठीक है, उस चीज़ को
छोड़ के आगे निकलना है। अब वो कैसे होगा, तुम चीज़ों को बार बार ट्राई करोगे, बार बार करोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुमको चीज़ें आ जाएंगी यार। कोई भी चीज़ ऐसी बनी नहीं है जो कि तुम्हें ना आए, बिलीव भी आ जाएंगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेरे को पता है जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की तो मेरे को लिंक लिस्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लिंक लिस्ट का यार नोड क्या होता है, उसके अंदर कैसे ये नोड बनता है, डेटा नेक्स्ट पॉइंटर का जो रेफरेंस होता है वो क्या कैसे क्या होता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं गाइज, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था ना मेरे अंदर, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। जैसे आपको अभी इनिशियली अगर आप बिगनर हो, जिसे तुम्हें कन्फ्यूजन रहता है कोडिंग के चीज़ों के पीछे, सेम उसी तरह मेरे को कन्फ्यूजन था कि यार लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे मैंने चीज़ों को बार बार ट्राई करा, बार बार कोड लिखे, बार बार लिंक लिस्ट क्रिएट कर करके गाइज, वो चीज़ मेरे दिमाग में छप गई और मेरे को एकदम इंटरनली सब कुछ समझ में आ चुका था। उस टाइम पे मैंने उस चीज़ को बार बार ट्राई करा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार कि तुम्हें अभी जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, कुछ टाइम बाद अगर तुम बार बार ट्राई कर रहे हो, कुछ टाइम बाद वो चीज़ें ना समझ में आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अगर तुम बार बार चीज़ों को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें आ जाएगी। तो ये रहा कुछ कोडिंग का, यू कैन से कि तुम एज अ मोटिवेशन ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहते हो तो दिन के आपको 2 घंटे निकालने होंगे। तुम 2 घंटे डेली कोडिंग करो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम फोड़ के आओगे। नेक्स्ट बंदे तुम ही होगे जो इंटर्नशिप या फिर फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ें या फिर तुम खुद का स्टार्टअप कर रहे होगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर तुम 2 घंटे दिन के देने लगे कोडिंग पे। तो यार ये रही मेरी तरफ से छोटी सी वीडियो। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहती है यार, बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ अच्छे से कॉन्टेंट आपके लिए, और आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए यार, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।